हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स. एज यू स्टूडेंट्स नो, अभी हम CHSL के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो इस साल एग्जाम्स में सारे आए थे. ओके, तो आज का सेशन, अगेन आपको स्पॉटिंग एरर्स का सेशन तो मिल गया है. आज हम करेंगे वोकैब. वोकैब में भी विल बी डूइंग सिनोनिम्स. सिनोनिम्स कंप्लीट, आज मैं एक दिन में पूरा सिनोनिम्स कर दूंगी. ओके, एक दिन में पूरा सिनोनिम्स कर देंगे. नेक्स्ट क्लास विल बी डूइंग एंटोनिम्स. देन ग्रेजुअली विल बी डूइंग ईडीएम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और ऐसा कर करके पूरे जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसको हम लोग खत्म कर लेंगे. ओके, तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन है प्रेस करना, तब जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस चैनल पे आएगा ना उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और ताकि आप सारे वीडियोस को देख सको. ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकॉन है वहाँ, एक घंटी है उसको प्रेस जरूर कर देना है, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा. तो चलो कंटिन्यू करते हैं. और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहीं से जुड़ना और इधर उधर से मत जुड़ना, नहीं तो नकली वाले पे पहुंच जाओगे. सारा PDFs वगैरह है, जो जैसे मैंने कल एरर्स पढ़ाया था तो वो एरर का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इंग्लिश विद रानी मैम, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, वहीं से टेलीग्राम पे जुड़ना है. ओके, चलो लेट अस स्टार्ट. सिनोनिम्स, कुछ वर्ड्स तो हमने एनालिसिस में भी किया था, कुछ वर्ड्स एनालिसिस में ही किया था. चलो लेट स्टार्ट ऑन अ स्पीडी नोट, स्टार्ट करते हैं, इसको खत्म भी कर लेंगे जल्दी. जेनेरिक, जेनेरिक का मतलब क्या होता है ना, जैसे आपने सुना होगा जेनेरिक मेडिसिंस, एक जनरल मेडिसिंस होता है, जेनेरिक जेनेरिक मेडिसिंस होते हैं. ओके, जो हर जगह काम आ जाता है, मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है. जेनेरिक मेडिसिंस का मतलब है कोई भी चीज़ जनरल है, जनरल है, कॉमन आप सर्दी बुखार सिर दर्द सब में यूज़ कर लेते हो, जेनेरिक मेडिसिंस होता है. जनरल है, वेरी कॉमन है, कॉमन है, जो स्पेसिफिक नहीं है, जो डेफिनेट नहीं है. ठीक है, नॉट स्पेसिफिक. ठीक है, और इन्होंने ऑप्शन में तो स्पेसिफिक दे दिया, बट स्पेसिफिक तो इसका एंटोनिम में होगा नहीं. प्रिसाइज का मतलब होता है वेरी एक्यूरेट, डेफिनेट भी नहीं होगा, डेफिनेट भी इसका एंटोनिम्स है. तो इसका आंसर है यूनिवर्सल. यूनिवर्सल का मतलब है कॉमन है, एक जनरल है जो सब जगह आप यूज कर लेते हो. द आंसर इज दिस, यूनिवर्सल. नेक्स्ट, रिजाइन. ये वर्ड तो अक्सर आप सुनते हो, ऐसा कोई बहुत टफ वर्ड नहीं है. अंडर द रेजीम ऑफ, जैसे बोलते हैं ना अंडर द रेजीम ऑफ, इसके शासन काल में, अंडर द रेजीम ऑफ, अंडर द रूल ऑफ, शासन शासन में, अंडर द रेन ऑफ मुगल्स, मुगल्स के शासन में, अंडर द रेन ऑफ, अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसी के नेतृत्व में, किसी के शासन काल में, किसी के रूल में, किसी के रेजिम में. तो आंसर इज रूल. टेरिटरी नहीं होगा, टेरिटरी तो आपका राज्य वाले सेंस में हो गया, टेरिटरी एरिया है, कंट्री स्पेस भी नहीं हो, रूल. डेडिकेटेड, देखो ये तो बहुत जिसके भी सेट में आया था ना, जिसके भी सेट में आया था कि बहुत इजी आया है, क्योंकि बाकी सारे इसके, देखो बोरिंग, बोरिंग का मतलब भी होता है वेरी डल, और TDS का मतलब भी होता है बहुत डल. ठीक है, ड्रेरी का मतलब भी होता है डल, वेरी डल, वेरी बोरिंग तो आया ही है, बोरिंग, वेरी मोनोटोनस, TDS थका देने वाला, वेरी मोनोटोनस, स्टीरियोटाइप, कॉमन स्टीरियोटाइप है, एक जैसा है, कुछ नयापन नहीं है. क्लीशे वर्ड भी आपने याद किया, कोटिडियन है, कितने सारे वर्ड्स मैंने आपको करवाया है. क्लीशे, प्लैटिट्यूड, एक ही प्लेट में खा खा के सब थक गए हैं, बोर हो चुके हैं. प्रोजियाक, वेरी कॉमन. ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपने किए हैं, वेरी कॉमन, एक जैसा, उसमें कोई नयापन नहीं है, वेरी डल, बोरिंग. तो तीनों का मतलब सेम है, बोरिंग का, TDS का, और ड्रेरी का मतलब है भयानक, नहीं समझना, क्योंकि कुछ बच्चे ना ड्रेरी को ड्रेडफुल से कंफ्यूज हो जाएंगे. ये ड्रेडफुल का मतलब है बहुत भयावह, बहुत फ्राइटनिंग. ठीक है, और ये तो स्टीरियोटाइप, मोनोटोनस, एक जैसा, कुछ भी नयापन नहीं है. तो आंसर इसका डेडिकेटेड है, आप अपने पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड हो, मतलब बहुत कमिटेड हो, समर्पित हो, आंसर डेडिकेटेड. प्रॉम्प्ट, गवर्नमेंट ने बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लिया किसी भी चीज़ का, बिना देरी के, बिना देरी किए प्रॉम्प्ट एक्शन लेना. प्रॉम्प्ट का मतलब होता है वेरी क्विक, वेरी क्विक, वेरी फुर्ती में, वेरी एजाइल, वेरी निम्बल, एजिलिटी के साथ, वेरी निम्बल, वेरी स्विफ्ट. ओके, बहुत ब्रिस्क, वेरी एक्टिव. बिना देरी किए गवर्नमेंट ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया. ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, कोई भी चीज़ ग्रेजुअल का मतलब है स्लोली, या जिंजरली भी बोलते हैं उसको, वैसे जिंजरली तो एडजेक्टिव हो गया,
और स्लो तो पता ही है और लेंदी भी नहीं होगा. आंसर इज क्विक क्विक. नेक्स्ट, ऐसा वर्ड पर कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं आया, इससे अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको पढ़ा हुआ है. ईल्ड, और इन्होंने ईल्ड वर्ड दिया है और ईल्ड का इन्होंने नाउन फॉर्म भी दे दिया है. वैसे मैंने आपको बताया है कि ईल्ड वर्ब भी होता है और ईल्ड नाउन भी होता है. एक ईल्ड का मतलब होता है ना किसी के सामने सरेंडर कर देना. ही ईल्डेड टू द टेम्पटेशन. उसको लालच दी गई है, उसने लालच के सामने गिव अप कर दिया, सरेंडर कर दिया. ओके, द एनिमी ईल्डेड टू द किंग. एनिमीज ने किंग के सामने सरेंडर कर दिया. और एक ईल्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, उपज. ओके, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन, उपज, अच्छी ईल्ड है. तो यहाँ पे आंसर प्लांटेशन हो जाए, प्रोडक्शन के सेंस में. गार्डन नहीं होगा, ऑर्चर्ड तो फ्रूट वाले गार्डन. और हार्वेस्ट तो पता है, हार्वेस्ट तो अलग ही है, हार्वेस्टिंग होती है क्रॉप्स की. हाँ, इसको आयोटा था, लोटा लोटा सब जब एनालिसिस में मैम लोटा आया था. ये एल नहीं है, ये आयोटा है. इन्होंने ऐसे ना लिख के ना ऐसे लिखा, सब लोटा लोटा बोल रहे थे. वो लोटा नहीं था, आयोटा था. आयोटा का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बहुत स्मॉल अमाउंट, बहुत बिट, बहुत छोटा पार्ट. आयोटा, आयोटा का मतलब ही होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का एकदम बिट, बहुत छोटा सा टुकड़ा, बहुत छोटा सा भाग, स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग. ओके, नेक्स्ट जल्दी जल्दी करते हैं. ट्रांसमिट, ये तो सब कर लोगे. डिजीजेस ट्रांसमिट होते हैं, जैसे कोविड ट्रांसमिट हो रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में. ट्रांसमिट होना मतलब वही ट्रांसफर होना. कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह फैलता है. और टीवी पे भी ट्रांसमिशन होता है, प्रोग्राम्स का ट्रांसमिशन होता है, उसको आप टेलीवाइज भी बोल सकते हो. ओके, स्प्रेड होना, फैलना. तो कन्वे करना, आंसर कन्वे करना. ट्रांसमिट करना मतलब कन्वे, एक जगह से दूसरे जगह कम्युनिकेट करना, ट्रांसफर करना. न्यूमरस, ये तो बहुत इजी वर्ड है. न्यूमरस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, सेवरल, वेरियस. ये तो कर लोगे, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं. केओस, ये वर्ड तो कितनी बार किया आपने. केओस, केओस का मतलब होता है टोटल डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन. कन्फ्यूजन है, टर्बुलेंस है, उथल पुथल, टर्बुलेंस. ऑयल का प्राइस जब इधर उधर होता है, टर्मोइल, बेडलेम, कितना सारा किया है. मे है, मे के मंथ में ही कोरोना का अटैक होता है. कन्फ्यूजन, बहुत सारे वर्ड्स करवाया है, सब मैं नहीं लिख रही हूँ. ओके, पैंडेमोनियम है, टोटल कन्फ्यूजन. इसका मैंने आपको याद होगा एक छोटा सा सेशन में मैंने सारे कन्फ्यूजन के वर्ड्स भी करवाए थे और इससे रिलेटेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी करवाया. टर्बुलेंस, टमल्टस, ट्यूमल्टस, ट्यूमल्टस पढ़ो. कन्फ्यूजन, टर्बुलेंस, अफरा तफरी, केओस, पैंडेमोनियम, टोटल डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन, अप्रोर. शेर जब गरजता है, टुमल्टुअस. जब शेर गरजता है तो जंगल में अप्रोर हो जाता. तो आंसर कन्फ्यूजन है. इन्होंने ऑप्शन तो बहुत ईजी दिया. डर्ट का मतलब है गंदगी. ओके, डर्ट का मतलब है गंदगी, फिल्थ. टेंशन तो पता. और फ्यूजन का मतलब है दो चीज़ को जोड़ना, यूनियन, कंबाइन करना, फ्यूज करना, दो चीज़ को मर्ज करना, कॉम्बिनेशन जोड़ना. रेजुविनेट, रेजुविनेट का मतलब क्या है. रेजुविनेट का मतलब है अपने आप को एनर्जाइज करना, अपने आप में नई जान डालना, फ्रेशन करना, रिफ्रेश करना. तो आंसर इज रिफ्रेश. रीसेट तो फिर से सेट करना, रीटेक तो पता है, रिटेल पुनः बोलना. तो रेजुविनेट का मतलब होता है अपने आप को री एनर्जाइज करना, फ्रेशन करना. ओके, रिफ्रेश करना. एडजस्ट, ये तो सबको पता है. सिचुएशंस के अनुसार हम सबको लाइफ में एडजस्ट करना पड़ता है, या सरकमस्टांसेस के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना. जैसे हमने वर्ड किया अडैप्ट, यू हैव टू अडैप्ट टू द सराउंडिंग्स. यू हैव टू अक्लेमेटाइज, अक्लेमेटाइज मतलब भी सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढालना, टू लगता है. तो आंसर इन्होंने ऑप्शन में बहुत ईजी ऑप्शन दिया. और इन्होंने जो ऑप्शन दिया है ना आपको, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं दिया है, ईजी ईजी वाले ही ऑप्शन दिए हैं आपको. तो वर्ड पावर को लेके ना आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, वो इजी इजी दे रहे हैं. बस चीज़ों को बार बार रिवाइज करना, चाहे मेंस हो, सीडीएस हो. अभी मुझे एफकैट के भी पेपर्स के सिनोनिम्स एंटोनिम्स आए और बच्चों का खुद का कमेंट है कि मैम जो हमने क्लास में पढ़ा है वो सब आया है. तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. स्लैक, स्लैक का मतलब भी होता है ना वेरी केयरलेस. पर्सन इज वेरी लेजी,
लेजी से भी ज़्यादा ना, बहुत सुस्त से भी ज़्यादा वो बहुत केयरलेस है। केयरलेस लोग को हम क्या बोलते हैं, बहुत नेग्लिजेंट है, बहुत केयरलेस है, हर काम स्लिप, हर समय उसके दिमाग से कुछ ना कुछ स्लिप हो जाता है क्योंकि केयरलेस है। रेमिस मिस कर देता है, चीज़ों को मिस कर देता है, केयरलेस है, दिमाग से स्लिप कर जाता है, केयरलेस है, नेग्लिजेंट है, रैश रैश भी बोल सकते हो, केयरलेस, हीडलेस, इनकंसिडरेट, बहुत सारे हमने किए हैं, सारे वर्ड्स लिखूंगी टाइम लग जाएगा। ओके, जो सोच समझ के काम को नहीं करते हैं, दैट इज केयरलेस। मंच, मंचिंग करते रहते हो पूरे दिन, खाना तो अपना मील्स तो लेते हो, मील्स के बीच में मंचिंग करना, कुछ ना कुछ चबाते रहना है, टीवी देखते समय मंचिंग कर रहे हो, च्यू कर रहे हो, च्यू। टर्मिनेशन, ट्रेन, ट्रेन ट्रैक पे जा रहा है, ट्रैक पे जा रहा है, ट्रेन इस स्टेशन पे टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेशन मतलब उसका कंक्लूजन, एंड, एंड टर्मिनेशन। या ट्रेन का छोड़ो ना, आपको टर्मिनेशन लेटर दे दिया जाता है ऑफिस में, आपको टर्मिनेशन लेटर ले दिया जाता है, मतलब आपकी सेवाएं अब एंड हो गई, आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, एंड हो जाता है आपके ऑफिस। कंडक्शन तो पता ही है, कन्विक्शन मतलब किसी चीज में बहुत ज्यादा फेथ होना, बिलीव होना। और कंसोलेशन का मतलब है किसी को कंसोल करना, ढाढ़स देना, ठीक है, किसी को कंसोल करना, जो लोग दुख में होते हैं ना उसको कंसोल करते हैं। डेबिलिटेट, डेबिलिटेट का मतलब है किसी भी चीज़ को और भी कमज़ोर करना, वीकन करना। वाइटलाइज तो नहीं होगा, वाइटलाइज रिवाइटल, रिवाइटल एनर्जी के लिए खाते हैं, तो इसका उल्टा हो गया एनर्जाइज। एनिमेट का मतलब भी होता है एनर्जाइज करना, एनिमेट, एक होता है एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, एनिमेट ऑब्जेक्ट्स मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट्स जिसमें जान है, और इन एनिमेट मतलब जिसमें जान नहीं है, नॉन लिविंग है, ये भी एनर्जाइज होना। और इसका आंसर इज वीकन करना, किसी को कमज़ोर करना, अटेनुएट करना। अटेनुएट का मतलब भी होता है किसी चीज़ को वीकन करना, कमज़ोर करना। और सस्टेन तो मतलब और भी अपने टिकना, और भी अपने आप को मजबूत रखना, बोल्स्टर करना। ये वर्ड आया था ना आपका, ब्रेस आया था CHSL में, ब्रेस, ब्रेस। बटरेस, बटरेस का मतलब भी अपने आप को मजबूत करना, एनकरेज करना, फोर्टिफाई करना, ओके, मजबूत करना। और ये तो डेबिलिटेट इज वीकेंड करना। सेलिब्रेट, कोई भी चीज़ को आप सेलिब्रेट करते हो, या तो खुशी मनाने के लिए करते हो, या किसी के सम्मान में, ओके, जैसे टीचर्स डे किसी के सम्मान में सेलिब्रेट होता है, सब चीज़ किसी न किसी के सम्मान में कोई चीज़ मनाया जाता है, तो आंसर इज इन ऑनर ऑफ। कमोमरेट, कमोमरेट का मतलब भी है सेलिब्रेट करना, किसी के ऑनर में, रिस्पेक्ट करना। ह्यूमिलिएट तो इंसल्ट करना, पब्लिश तो होगा नहीं। सर्क्यूलेट करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, कोई भी चीज़ को सर्क्यूलेशन, डिस्ट्रीब्यूट, बांटना, स्प्रेड होना। वॉन्डर, वॉन्डर का मतलब क्या होता है, वाई आर यू वॉन्डरिंग अबाउट हियर एंड देयर एमलेसली। वॉन्डर करना मतलब इधर उधर भटकना बिना काम के, तो वॉन्डर का मतलब होता है ना रोम एमलेसली, कोई काम नहीं है, इधर से उधर भटक रहे हो बिना काम के, तो रोम होगा, रोम होना, ऐसे स्ट्रॉल करना, या आप इसको सॉन्टर भी बोल सकते हो, बिना काम के, कोई एम से, बिना एम के। सॉन्टर का मतलब तो वैसे सॉन्टर का मतलब है धीरे धीरे जो मूव करते हो, टहल रहे हो, बट वॉन्डर थोड़ा जाता है ना रोम, बिना काम के इधर उधर टहलना। ग्रम्बल, कभी कभी किसी स्टूडेंट्स को हम बोल देते हैं, या किसी बच्चे को बोलते हैं ना ग्रम्बलिंग चाइल्ड। ग्रम्बलिंग चाइल्ड का मतलब है इसको हर समय कुछ ना कुछ कंप्लेन रहता है, कभी ये खुश नहीं रहता, ग्रम्बल करता है, ठीक है, ग्रम्बल। तो ग्रम्बल लोग होते हैं ना जो हमेशा ग्रोन करते रहते, हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी रहती, कंप्लेन करते रहेंगे, ठीक है, मून करते रहेंगे, बिमून, कंप्लेन करते रहेंगे, वाइन करते रहेंगे, कभी खुश नहीं रहते, कुछ ना कुछ कंप्लेन करेंगे। और ग्रिन का मतलब तो हंसना, लाफ एट समवन, दांत, लाफ, दांत दिखाकर हंसने को हम ग्रिन बोलते हैं, ग्रिन। टेस्टिफाई, किसी भी चीज को टेस्टिफाई करना, टेस्टिफाई करना मतलब किसी भी चीज को वैलिडेट करना, ये दिखाना कि ये चीज सही है, किसी भी चीज़ को प्रूफ करना, टेस्टिफाई करना मतलब प्रूफ करना, किसी भी चीज़ को सुनिश्चित करना, असर्टेन करना कि वो सही है, किसी भी चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हो, किसी भी चीज़ को वैलिडेट कर रहे हो, ठीक है, ऑथेंटिकेट कर रहे हो, ये दिखा रहे हो कि वो सही है, नकली नहीं है, प्रूफ कर रहे हो, ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये तो इनवैलिडेट, वैलिडेट तो इसका सिनोनिम्स हो गया, ये एंटोनिम्स है, ये तो होगा नहीं, डिसप्रूव ही नहीं होगा, अफर्म करना, जस्टिफाई कर। अबॉलिश,
कोई भी चीज को आप अबॉलिश कर रहे हो. अबॉलिश का मतलब अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा. अबॉलिश करना ना, नामो निशान मिटा देना, डिस्ट्रॉय कर देना, वाइप आउट कर देना, कोई भी चीज को ना रेज कर देना, नामो निशान मिटा देना. इसका और क्या वर्ड्स है, एक्सपंज कर देना, नामो निशान मिटा देना, अबॉलिश कर देना, एक्सटर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना, नामो निशान हटा देना. इंट्रोड्यूस तो नहीं होगा, इंट्रोड्यूस का मतलब तो शुरुआत करना, कंटिन्यू भी नहीं करना, एलिमिनेट करना. बहुत इजी दिया, बहुत इजी ऑप्शन दिया है. ब्रैट, कई बार हम बातचीत में यूज करते हैं, ही इज अ स्पॉइल्ड ब्रैट. ये जो ना बिगड़ेल बच्चा है, स्पॉइल्ड ब्रैट मतलब बिगड़ेल चाइल्ड है, स्पॉइल्ड चाइल्ड. कभी कभी फैमिली में बच्चों को बहुत ज्यादा पैम्पर कर दिया जाता है, ओके, उनके नखरे को बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर लिया जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो पेरेंट्स को ग्रांटेड लेके चलते हैं और हर बात मनवाते हैं. ऐसे बच्चे को बोलते हैं ना बिगड़ेल बच्चा है, ब्रैट है, स्पॉइल ब्रैट. आप लोगों में से बहुत लोग होंगे भी. डिराइड करना, डिराइड करना, अप्रूव. डिराइड एक नेगेटिव वर्ड है, तो डिराइड करना मतलब किसी का मजाक उड़ाना, मॉक करना, नीचा दिखाना, डेनिग्रेट करना, ओके, डेनिग्रेट करना, विलीफाई करना, नीचा दिखाना, इंसल्ट करना, डिसडेन करना, विटुपरेट करना, नीचा दिखाना. तो नीचा दिखाने का उल्टा क्या हो गया, मॉक करना, खिल्ली उड़ाना इंसल्ट के पर्पस से. पॉइग्नेंट, कभी कभी कोई मूवी देख के आते हो या कोई स्टोरी पढ़ते हो तो आप बोलते हो द स्टोरी वॉज वेरी पॉइग्नेंट, द स्टोरी वॉज वेरी टचिंग. टचिंग मतलब दिल को छू लेने वाला. द स्टोरी वॉज वेरी मूविंग. अब मूविंग का मतलब ये मत समझना कि कोई भी चीज़ मूव करता हुआ. स्टोरी वॉज वेरी मूविंग मतलब द स्टोरी वॉज वेरी इमोशनल. थोड़ा स्पीड में जा रही हूँ, ओके, टचिंग दिल को छू लेने वाला, वेरी इमोशनल. काम, वेरी कूल एंड काम. कूल एंड काम वर्ड तो अक्सर आता है. पुल योर सेल्फ टुगेदर, पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब एकदम कूल एंड काम रहना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना, एकदम रिलैक्स्ड रहना. और ये जो क्रैंकी बच्चा होता है ना, वेरी इरिटेबल. क्रैंकी लोग वो होते हैं जो बहुत चिड़चिड़े होते हैं, जिन्हें आसानी से इरिटेट किया जा सके. जब टेस्टी चाइल्ड है, हमेशा रोते रहता है. डेट्रीमेंटल, ये भी पढ़ाया हुआ है. डेट्रीमेंटल, अब मैं क्या बोलूँ, ये पढ़ाया हुआ है, ये नहीं है, सभी पढ़ाया आपने. मेंटल हो गया है बेचारा, मेंटल हो गया, इसको मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया क्योंकि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं चल रही है, या किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है. तो डेट्रीमेंटल है मतलब बहुत हार्मफुल है. ये सब वर्ड किया है ना आपने, पारलेस किया है, पैरलेस किया है, सॉरी हैजार्डस किया है, बहुत सारे इसने अपने वर्ड्स किया है, परनीशियस किया है, घातक, हार्मफुल. टैग, किसी चीज़ में एक टैग लगा दिया है. टैग लगा दिया है मतलब किसी चीज़ में एक लेबल लगा दिया है, ठीक है, एक टाइटल लगा दिया, एक मार्क लगा दिया, ये तो दिक्कत नहीं. और हाँ, साइफन करना, साइफन करना मतलब भी होता है पंप करना. पंप इसका मतलब भी है, ड्रेन करना भी तो वही है. एक साइफन का ये भी स्पेलिंग होता है, ये सिफन, सिफन ऑफ, ये वर्ड साइफन ऑफ याद रखना. एक साइफन ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जो एग्जाम में आ जाता है. साइफन ऑफ का मतलब होता है गमन करना, गलत तरीके से पैसे निकालना, ठीक है. जैसे ऑफिस में पैसे किसी खास काम के लिए लगा है, बट आपने गलत तरीके से ऑफिस के पैसे को गमन कर रहे हो, अपने यूज में ला रहे हो, तो ही साइफंड ऑफ मनी. गलत गमन करना पैसों का, घोटाला करना. कमेंस, ये तो इजी है, कमेंस का मतलब तो स्टार्ट हो गया. प्रिंसिपल, गांधी जी के प्रिंसिपल्स, गांधी जी के सिद्धांत, कोई भी प्रिंसिपल जिसको हम सब लोग मानते हैं, ठीक है. प्रिंसिपल मतलब वो चीज़ जो प्रूव्ड है, जो जनरली एक्सेप्टेड है, जिसको सब लोग मानते हैं, उसको हम एडेज भी बोलते हैं, ठीक है, उसको एडेज भी बोलते हैं, उसको कथन है, डिक्टम भी बोलते हैं, प्रोवर्ब बोल दिया, सेइंग बोल दिया. जैसे प्रोवर्ब भी सब लोग मानते हैं, कोई भी कथन, सेइंग, डिक्टम, ओके. हाँ, प्रिंसिपल का एक्सियोम, कथन, जिसको सब लोग मानते हैं. लीडर कंक्रीट और हेडमास्टर तो नहीं. स्पिल, जैसे आपको पैर बोलते हैं कि चलो गंदगी मत फैलाना, डोंट स्पिल. पानी पीते समय ना पानी स्पिल मत करना, मतलब पानी के ड्रॉप्स भी नीचे मत गिराना. तो स्पिल करना मतलब ड्रॉप होना, फिल्टर तो नहीं होगा. ब्रेक थ्रू, पुलिस को एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू मिली है. पुलिस को एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू मिली है मतलब पुलिस को अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिली है इस केस में,
इस केस में पुलिस को बहुत बड़ी सक्सेस मिली है, बहुत बड़ा कोई सुराग और कोई एविडेंस मिला है, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, जिसको हम विंडफॉल भी बोलते हैं। तो मतलब पुलिस ने कुछ डिस्कवर किया है, ओके, डिस्कवरी में ही उन्हें कुछ सक्सेस मिला है। एब्जॉल्व, किसी को एब्जॉल्व करना मतलब दोष मुक्त करना, ठीक है, एक्जोनरेट करना, किसी को एक्जोनरेट करना, अक्विट करना, दोष मुक्त करना, इंडिकेट करना, दोष मुक्त कर देना, किसी को बरी करना, किसी चीज से बरी करना। तो अटैक तो नहीं होगा, अक्यूज का मतलब तो दोषी हो गया, कंडेम में भी दोषी के सेंस में, तो आंसर इज पार्डन। पार्डन का मतलब भी होता है माफ करना, दोष मुक्त करना, माफ करना। बैनर, बैनर तो कर लोगे, बैनर्स और पोस्टर्स तो हर दिन सुनते हो, तो ये लकी है जिसके शीट में आया था। बैंग, बैंग का मतलब क्या करना है, डोंट बैंग योर हेड, डोंट बैंग द डेस्क। बैंग करना मतलब ऐसे अपने हाथ लगाना, बीट करना, बीट, बैंग, पीटना, पीटना। अनकैनी, अनकैनी का मतलब होता है ना समथिंग विच इज वेरी मिस्टीरियस, ईरी, समथिंग विच इज वेरी वियर्ड, समथिंग विच इज वेरी एब्सर्ड, थोड़ा सा नॉर्मल से अलग, अटिपिकल। अटिपिकल है, नॉर्मल से अलग है, तो थोड़ा सा मिस्टीरियस है, मिस्टीरियस है, तो अनकैनी वर्ड याद रखना, अनकैनी रिमार्क्स। शिमर, शिमर तो सबको पता है, शिमर का मतलब है चमक, शाइन करना। क्वेक का मतलब तो कांपना, अर्थक्वेक, शिवर करना, ट्रेम्बल करना, कांपना। शेक तो पता है, शिवर, ये देखो ये तीनों, ये सब सिनोनिम्स है। शिमर, शिमर का मतलब होता है शाइन करना, आंसर यही है। उसी तरह लेवरेज, अरे इसको तो बहुत अच्छा लेवरेज मिल गया, लेवरेज मतलब है कोई भी बहुत अच्छा एडवांटेज मिल गया, ठीक है, इसको अच्छी लेवरेज मिल गई है, मतलब इसको एडवांटेज मिल गया, इसको अच्छा इन्फ्लुएंस मिल गया, ठीक है, एडवांटेज मिल गया कोई चीज़ में, इन्फ्लुएंस होगा। और नेक्स्ट इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को जोड़ना, ओके, कंबाइन करना, किसी भी चीज़ को फ्यूज़ करना, एमलगमेट करना, मिलाना, जोड़ना, किसी भी चीज़ का सिंथेसिस, तो यही होगा। एसिमिलेशन का मतलब भी इकट्ठा करना, चीज़ को मिलाना, इंटीग्रेट का मतलब भी वही होता है, और सेपरेट तो अलग हो गया, डिसबर्स भी अलग, डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं। केडेंस, ये हाँ, केडेंस का मतलब, केडेंस का मतलब होता है ना किसी भी चीज़ का सुरताल, बीट, रिदम, किसी भी चीज़ का रिदम, किसी भी चीज़ का टेम्पो, मतलब उसका टेम्परामेंट, उसका बीट, उसका रिदम क्या है, रिदम हो जाएगा। ये एक हो सकता है आपके लिए नया वर्ड हो, तो इसका मतलब होता है बीट, रिदम, टेम्पो। एब्स्टेन, ये तो कर लोगे, एब्स्टेन अपने परहेज करना, अपने आप को किसी से दूर रखना, रिफ्रेन करना, अपने आप को दूरी, फॉरगो करना, दूरी, विथहोल्ड कर लेना, रोक देना, शन, रिफ्रेन, अबैंडन। हम ड्रम, एक ही ड्रम बजा बजा कर बेचारा परेशान हो गया, उस समय मैं डल वाला वर्ड्स में ये वर्ड छोड़ दिया था, हम ड्रम, हम ड्रम, या डल वाले वर्ड में ना मंडे भी लिख सकते हो, मंडेन, मंडेन का मतलब है, मंडे भी समटाइम्स बहुत बोरिंग हो जाता है, तो मंडेन का मतलब ये बोरिंग, और लाइवली का मतलब तो बहुत एनर्जेटिक लोग, नॉइजी तो पता ही। ड्रैग, किसी को ड्रैग करना, खींचना, तो ड्रैग करना इज पुल करना। और लास्ट वर्ड, आपके 21 सेट्स आए थे, और हर सेट्स में टू टू सिनोनिम्स आते हैं, तो आज हमारा पूरा सिनोनिम्स खत्म हो गया। अच्छा, एक स्लाइड का कुछ है, 42 ही है, स्लाइड का ही कुछ है। चलो अब बता दूं अपने सारे बैचेस के बारे में, ये तो मेंस का बैच है, ठीक है, मेंस का बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है वो मेंस का बैच ज्वाइन कर लीजिए, अभी ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कल मैंने कंजंक्शन पढ़ाया था, स्टूडेंट्स को अच्छा भी लगा था, दो तरीके से कंजंक्शन पढ़ाया था, फिल अप द ब्लैंक्स के पर्पस और क्लोजनेस के पर्पस से भी पढ़ाया था, और साथ में एरर के पर्पस से भी। तो 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है इस बैच को, यू कैन ज्वाइन, मीन्स की तैयारी कर रहे हो या अगले साल भी करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। पैराजम्बल्स का बैच शुरू हो रहा है, पैराजम्बल्स का पैसेज का, मेंस का बैच शुरू हो गया है, और मेंस के बैच की टाइमिंग है 8 से 9:30 मंडे से फ्राइडे का। एक बैच शुरू हो चुका है, अभी दो बैच आ रहा है, एक तो ट्यूसडे से शुरू होगा 7 तारीख से, ये पैसेज का, PQRS का, और किसका है, और क्लोज टेस्ट का।
दिस बैच विल हाँ विल बी फॉर 3 डेज, ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे. ये 12 से 1 का बैच है. इसमें मॉक्स और डाउट सेशंस भी इंक्लूडेड है. डाउट भी इसी में रहेगा, एक दिन डाउट का रहेगा. मॉक्स भी प्रोवाइड करूँगी. और जो हमारे बिगनर्स है, बिगनर्स के लिए भी एक फाउंडेशन बैच आ रहा है. दैट इज सारे बैचेज आप मेरे प्रोफाइल पर जा सकते हो. सारे बैचेज लाइव हो गए हैं, 13 सेप्टेम्बर से शुरू हो रहा है. दिस इज़ अ हाईली अवेटेड बैचेस. बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसिक से चाहिए था, तो बेसिक का बैच शुरू हो रहा है. बेसिक का मतलब क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से. फर्स्ट डे फर्स्ट शो का बैच है. इसमें यहाँ से ज्वाइन कर लेना, लेट मत करना. ये भी चलेगा 3:30 से 5:30. तो इन अ नटशेल इस मंथ में 3 बैचेज आ रहे हैं. एक तो मेन्स का हो गया है, एक प्रैक्टिस बैच आ रहा है PQRS का 7 तारीख से, और एक तो 1 सेप्टेम्बर से शुरू हो गया है, और एक बैच आ रहा है फाउंडेशन, ये 13 सेप्टेम्बर से आ रहा है. तो ओके, 3 बैचेज आ रहे हैं. तीनों बैचेज में अलग अलग एडमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. एक ही एडमिशन में आपको सारे बैचेज मिल जाएंगे. बस आपको क्या करना है, ये कोड यूज़ करना है, RANI10, RANI1010 कोड यूज़ करोगे तो आपको मेरे सारे बैचेस फ्री मिल जाएंगे. और सिर्फ इंग्लिश के ही नहीं, आपको मैथ्स, रीजनिंग, GS, मेंस का, मैथ्स का बैच भी, सारा बैचेस फ्री मिल जाएगा. आपको ये कोड यूज़ करना है, 10% डिस्काउंट हो जाएगा. बिगनर्स तो 2 साल लेंगे, क्योंकि 2 साल आपके लिए सबसे बेस्ट है. और मेंस वाले बच्चे मिनिमम 6 मंथ्स का लेंगे. ये सारे अनअकैडमी के आपके टॉप एडुकेटर्स हैं. ये तो टीम फिनिक्स बैच है. ओके, ये सारे अनअकैडमी के बैचेस हैं जो मेन में आपको बता देती हूँ. ओके, अनअकैडमी का आस्क का डाउट वाला फीचर भी इन्होंने ऐड किया हुआ है. ठीक है, यहाँ आप टीचर से अपनी डाउट पूछ सकते हैं. टीचर नहीं भी बता पाए तो एक डाउट टीम है जो आपको आंसर्स बताए. रेज योर हैंड का ऑप्शन भी है. रेज योर हैंड में तो बच्चे अपना अपना दुख दर्द बांटते हैं. टॉक विथ योर फेवरेट एडुकेटर्स इन लाइव क्लास एंड क्लियर योर डाउट्स. तो रेज योर हैंड्स में मैं भी देखती हूँ बहुत फ्रूटफुल है. बच्चे डायरेक्टली रेज योर हैंड में आके बात कर सकते हैं. टीचर उनको इनवाइट भेजते हैं, वो इनवाइट एक्सेप्ट करते हैं, फिर टीचर उनसे बात करते हैं, उनको कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है गाइड कर देते हैं. ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा सा फीचर है. और सेप्टेम्बर का ऑफर है. सेप्टेम्बर का ऑफर क्या है? SSC एग्जाम्स में 8 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहा है. आप देख लेना ये सर. ठीक है, ये ऑफर 8 सेप्टेम्बर तक है. 8 सेप्टेम्बर तक है, टीचर्स डे के लिए उन्होंने लाया है. और 2 मंथ्स एक्स्ट्रा है, 4 मंथ्स एक्स्ट्रा है, ये सब देख लेना. 12 मंथ्स एक्स्ट्रा है कॉम्बो वाला, ये सारे है. और SSC कॉम्बैक टेस्ट चल रहा है. हर संडे के संडे SSC कॉम्बैक टेस्ट. जैसे कल संडे है, कल 12 o'clock टेस्ट चलेगा. ठीक है, इसमें बहुत सारे आपके प्राइज मतलब सब्सक्रिप्शंस भी है. पहला 3 रैंक को फ्री सब्सक्रिप्शन, तो ये सारा है आपका. और आपको मेरे सारे बैचेस का इन्फॉर्मेशन के लिए ना, व्हाट यू हैव टू डू, आप बस मेरे प्रोफाइल पे जाना. ओके, मेरे प्रोफाइल पे जाना. अनअकैडमी का ऐप तो आपके पास होगा ही. आप मेरे प्रोफाइल पे जाओगे ना, रानी सिंह टाइप करोगे तो मेरे सारे बैचेस आपको दिख जाएंगे. और बैचेस कैसे देखना है उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया. ओके, तो चलो क्लास को एंड करते हैं. अब मिलते हैं अगले सेशन में. थैंक यू एवरीवन.